घर पे तो हम बैठने वाले नहीं है, तो क्यों ना एक राउंड ट्रिप मारा जाए ना। क्या सिखा रहे हैं एक दूसरे को, क्या कंपटीशन चल रहा है। और गाइज ये है यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर और 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे होने के उपलक्ष में भाई क्या सजा रखा है। टीका देखा ना तो कैसे फैला हुआ था, मैंने कहा खून जैसा क्यों लग रहा है। भाई ओ भाई ओ भाई ओ जी हल वेरी गुड। तो हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और गाइस आज है वेंसडे यानी के 14th August और एक लंबा वीकेंड स्टार्ट होने वाला है, लॉन्ग 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 वीकेंड आफ्टर सो मेनी मंथ्स। तो हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, ऑब्वियसली लंबा वीकेंड है, घर पर तो बैठ नहीं सकते हम, तो वीकडेज पर भी मन नहीं करता हमारा घर बैठने का, हमको लगता है कहीं ना कहीं चल पड़ो बस थोड़ी देर। तो ऐसा ही कुछ रैंडम प्लान बना लिए। एक्चुअली प्लान तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नैनीताल वाले ट्रिप पे गए थे उस टाइम पे भी रतन का बहुत मन था कि हम लोग हिमाचल में मनाली या सिसू या अटल टनल की तरफ जाके वहाँ स्टे करें, बट यार मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके रतन को मना किया है कि प्लीज़ हिमाचल की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है, इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत लैंडस्लाइड, बहुत कुछ हो रहा है, तो यार रिस्क क्यों लेना है ना। तो लेकिन अभी भी मैं बहुत डांट खा चुकी हूँ और रतन बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। फिर भी रतन ने प्लान कर लिया है कि हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर। ये तो हो गया है फाइनल, क्योंकि हमारा होटल अभी सुबह सुबह जम्मू के लिए हम कर चुके हैं बुक और हमें अकंपनी कर रही हैं मेरी मदर इन लॉ यानी कि रतन की, मेरे डियर हस्बैंड की मम्मी। तो वो आपको पता है कि वो अम्बाला रहते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से अम्बाला निकलेंगे ताकि हमें ज़्यादा लंबी जर्नी ना लगे और मम्मी के साथ भी, जय के साथ भी हम लोग को फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम लोग आराम से जाएं। तो अभी ऐसा कुछ प्लान है कि जय गया है अभी स्कूल, ऑब्वियसली अभी बज रहे हैं 11:10 और वो आएगा 2:30 बजे लंच वंच करके। तब तक मैं सब पैकिंग कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो अगर, तो सामान और लगेजेस यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। इस बार हम प्लान कर रहे हैं यार अपना टेंट हाउस और चेयर्स, कैंपिंग चेयर्स भी ले जाने का। तो वो सब अभी आसमा थोड़ा सा क्लीन व्लीन कर रही है, वो रेडी कर रहे हैं। अब देखते हैं यूज़ कितना होगा, वी डोंट नो दैट, बट यार अभी मौसम ऐसा है कि वहाँ पे भी इस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, मतलब चेयर्स वेयर्स खोल के कहीं ना कहीं तो बैठ ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान है, फिलहाल करते हैं पैकिंग शुरू और जय के आने के बाद लंच करके हम निकलेंगे यहाँ से अम्बाला। आज का स्टे रहेगा हमारा अम्बाला और उसके बाद हम कल सुबह सुबह निकलेंगे जम्मू के लिए, क्योंकि कल की हमने बुकिंग करा रखी है जम्मू में। तो होपफुली कल टाइम से निकल के हम लोग टाइम से जम्मू पहुँचेंगे, बिकॉज इतना लंबा रास्ता नहीं है अम्बाला से, बिकॉज हम पहले प्लान कर रहे थे कि सीधा ही जम्मू चलते हैं, बट सुबह सुबह ऑब्वियसली हमने जब देखा तो यार 12 घंटे का सफ़र है, तो हम मम्मी को इतना ज़्यादा ट्रैवल स्पेसिफिकली नहीं कराना चाहते, इसलिए हमने सोचा कि यार आज अम्बाला चलते हैं, स्टे करते हैं और कल सुबह टाइम से जम्मू के लिए निकलेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है। और हाँ, श्रीनगर में हम लोग स्पेसिफिकली जा रहे हैं गुलमर्ग, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी श्रीनगर तो ट्रैवल किया लेकिन हमने गुलमर्ग नहीं देखा था, तो इसलिए इस बार हम सिर्फ और सिर्फ गुलमर्ग एक्सप्लोर करेंगे, बाकी देखते हैं वहाँ जाके, क्योंकि आप हमारे इंस्टेंट प्लान्स बनते हैं, आपको पता है अब तक तो आप हमको जान ही चुके हो। तो ऐसा कुछ प्लान है अभी। अब चलो होते हैं रेडी और करते हैं तैयारी शुरू। आसमा ने चमका दिए हमारे सारे सूटकेस और अब आसमा की हो रही है छुट्टी 4-5 दिन की। बहुत लोग जा रहे हैं, आपको पता है मेरी फ्रेंड सिमर वो भी जा रही है, तो आसमा उसके पास भी काम करती है, तो मैंने कहा तेरे तो हो गए मज़े। तो यार लंबा वीकेंड है, मोस्टली मतलब 80-90% लोग निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो बस हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बारिशों में भी हटते नहीं हैं और जा तो वैसे हम पहाड़ों की तरफ ही रहे हैं यार, बिकॉज इस टाइम पे क्या है ना, अगर हम गोवा वो उस तरफ भी प्लान करते हैं तो बहुत बारिश हो रही है वहाँ, कोई मज़ा नहीं आएगा। बीचेस पे हाई टाइड्स रहती हैं तो फिर यार आप बीच में जा नहीं सकते हो, तो मतलब ज़्यादा अंदर नहीं घुस सकते हो तो डेंजरस रहता है, तो फिर क्यों रिस्क लेना है। तो इससे अच्छा पहाड़ों में अच्छी अच्छे मौसम में, प्लेजेंट मौसम में चलते हैं। वैसे तो देखो श्रीनगर घूमने का जो असली टाइम है वो तो मेरे को पर्सनली लगता है स्नोफॉल के टाइम विंटर्स में, बिकॉज वो विंटर वंडरलैंड बन जाता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हो श्रीनगर के बारे में। बट क्योंकि अभी विंटर्स बहुत दूर है इसलिए हम इतना तो इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोचा कि यार अभी लंबा वीकेंड है, घर पर तो हम बैठने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना एक राउंड ट्रिप मारा जाए। तो चलो करते हैं तैयारी श्रीनगर की। तो ये मैंने आपको सूटकेस और हमारा अट्रम पट्रम शट्रम सामान हो गया रेडी, और बाहर आपको मैं दिखाती हूँ
ये रही जी हमारी सारी कैंपिंग चेयर्स, और टेबल भूल गई हूँ मैं, एक टेबल रह गया मुझे अभी अभी चेयर्स को देखे आया था। टेबल कहाँ है भाई, चेयर्स तो सारी आ गई हैं। तो जय की चेयर, स्टूल, पापा की चेयर, दादी की चेयर सब आ चुकी हैं, रेडी हो गई हैं। वो मेरी चेयर रहेगी या चलो कोई बात नहीं, जय बैठ जाएगा यार, एक ही बात है। तो ऐसा कुछ हमने तैयारी शुरू कर ली है, नीचे जाके मैं टेबल लेके आती हूँ, ब्लास्ट हो रहे हैं, चलो। तो गाइज़ ऐसी कुछ बेसमेंट है हमारी, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको पहले कभी दिखाई है या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस टाइप बना रखा है रतन ने अपने बैठने के लिए। ये थोड़ा सा हमारा ड्राइंग रूम था पहले, लेकिन हमने अब प्लान किया है कि यहाँ से हम सारा का सारा सामान डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं। और ये ऐसी कुछ रतन की साइड्स का कुछ सामान है, फर्नीचर है, और इस तरफ ऑलमोस्ट सारा जय का, छोटे होते का यार सब टॉयज़ वॉयज़ उसके सब पड़े हैं यहाँ पर। तो ऐसी कुछ बेसमेंट है हमारी, और हम जितना भी फालतू वालतू सामान होता है वो हम लाके यहाँ पे डंप कर देते हैं। चेयर जो है टेबल ढूंढना पड़ेगा। टेबल 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 किधर है, चलो टेबल बाद में पिक कर लेते हैं, अभी तो हमारी बेसमेंट खुली ही है, अभी मैंने बंद नहीं किया है कुछ भी। और एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है सामने वो है जी ये हमारा मैट। तो ये मैट जय का है और ये हमारे अब पार्ट में काम आता है और ऐसे किसी ट्रिप्स पे जाना हो तब। तो गाइस हेयर डू तो हो गया है भाई, अब कहीं जाना है तो इतना तो बनता है। कुछ नहीं दिख रहा, फॉग फॉग फॉग, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। एनीवेज तो मैंने एक्चुअली में उसी टाइम पे सोचा आने का ना, क्योंकि जय की बस आती है, तो अभी मैं उसको ही पिक करने जा रही हूँ बस, फिर हम लंच करके निकलेंगे यहाँ से अम्बाला के लिए। अब यार कहीं जाना है, वैसे तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं ज़्यादा कुछ तो करती नहीं हूँ, मतलब डेकडप वगैरह तभी होती हूँ, कहीं स्पेशली कहीं जाना होता है तो यार अब आज तो हम बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं तो फिर इतना तो बनता था। तो यार बस थोड़ा सा हेयर डू करा लिया, और ऐसे तो मैं हमेशा ही आपके सामने ऐसे आ जाती हूँ, तो बट यार ठीक है, दिस इज़ मी। और मतलब सिर्फ मुझे कुछ ही ओकेजन्स पे ऐसे करना अच्छा लगता है, बट बाल तो मतलब हेयर डू तो मेरे को बहुत पसंद है और मेरा मन करता है कि मैं रोज़ कराऊँ, लेकिन ऑब्वियसली रोज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत जल्द मैं कुछ कराने वाली हूँ अपने बालों का, तो आने वाले कुछ मंथ्स में आपको वो भी दिख जाएगा। तो बस मुझे ना बालों का रहता है सबसे ज़्यादा। तो चलो आ गई है जय की भी बस सामने, बिल्कुल टाइम से फ्री हुई हूँ मैं यहाँ से भी, बस अब जय को पिक करते हैं, घर चलते हैं, लंच करते हैं और फिर निकलते हैं। पैकिंग मैंने मतलब 90% कर ही ली है, तो चलो। तो गाइस टाइम हो चुका है 3:56, मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। हमारा टारगेट था अराउंड 3:30 बोला था वैसे मैंने, 3:30 तक निकल लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो हम निकल चुके हैं फाइनली और शुरू करते हैं इस जर्नी को और श्रीनगर के इस ट्रिप को आज की रात अम्बाला में बिताते हुए लेके मनसा माता का नाम। बोलो मनसा माता की जय। तो अब चल रहे हैं सीधे हम जी अम्बाला की तरफ, मम्मी के पास रात को वहाँ रुकेंगे और फिर सुबह मम्मी को वहाँ से लेके चलेंगे। ना क्या सिखा रहे हैं एक दूसरे को, क्या कंपटीशन चल रहा है। जे जे मुंह ऐसे कर, जे तू जीभ तो निकाल नहीं रहा, बार कैसा कैसा मुंह बना रहा है, जीभ तो बाहर निकाल कैसे बिना कुछ करे जीभ। चलो ऐसे कर, हाँ उतनी लंबी जीभ भी तो होनी चाहिए। ये क्या है, फाइटर प्लेन सा। जय ने फाइनली कर लिया। Thank you.
और गाइज ये है यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर और 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे होने के उपलक्ष में भाई क्या सजा रखा है, ऑसम मस्त व्यू आ रहा है इसका भाई, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया। और हम इस एक्सप्रेस वे पे हैं, देखो आप क्या मस्त व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया। तो भाई एक टैक्सी वाले भैया खड़े थे ये पीछे और इन्होंने हाथ दिया, हमें लगा शायद गाड़ी गुड़ी खराब है इसलिए हाथ दिया मैं गाइस डर गया बट मुझे लगता है कि भैया शायद रास्ता पूछ रहे हैं। क्या हुआ? डर लग रहा था वो आगे से उसको एग्जिट मिलेगा नहीं मिलेगा अच्छा हाँ, कहता मैं यहाँ से वापस ले लूँ क्या उल्टा। अच्छा जाना कहाँ है उसको? शाम विहार जाना है, आगे से राइट होता ज्योति वो ऐसे रास्ते में एक्सप्रेस वे में आदमी घबरा ही जाता है ना। सवारियां उसके साथ कैसी सी थी? और एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। अच्छा उसको भी क्या ही बताऊंगा, हम तो डर गए थे, हमको लगा वैसे मुझे तो ये लगा कि शायद गाड़ी वाड़ी खराब है बिकॉज यार यूजुअली क्या होता है एक्सप्रेस वे पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए कुछ भी आपको जरूरत हो तो लोग कोई ना कोई हाथ दे ही देते हैं, मुझे तो लगा वही हुआ होगा बट ये बात थी। तो रतन के एकदम से रुक गया भाई, रतन तो वैसे ही दानवीर कर्ण और क्या कहते हैं गरीबों का मसीहा तो यार हेल्प करने को हमेशा तैयार। और अच्छी बात भी ऑफ कोर्स मुझे इससे ये वो बात याद आ गई कि हम लोग लेह लद्दाख गए थे जब, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था यार, वहाँ तो बहुत लोगों के साथ कुछ कुछ होता है तो अगर आप तैयारी से नहीं जाओ तो फिर आप तैयार रहो कि वहाँ पे आपके गाड़ी के साथ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चंडीगढ़ से हमें मिले थे उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था ऐसा कुछ था या पेट्रोल खत्म हो गया था, टायर फट गया था तो छोटे लड़के ही थे मतलब 4-5 शायद, तो अब वो अकेले थे एक ही गाड़ी थी उनकी, उनके पास कोई नहीं था, फिर उनके साथ उनके पास रुके और फिर रतन ने फिर उनको पूछा क्या हुआ क्या नहीं, फिर पता चला तो फिर हमने एक्चुअली वो अपोजिट तरफ से आ रहे थे है ना, तो हमने उनको बताया कि थोड़ी दूर पे ही शायद शॉप है ऐसा कुछ था। तो ऐसे हेल्प हो जाती है यार, किसी को गाइड कर दो कोई नया है तो कर देनी चाहिए। हम आ गए हैं सरसे से जिससे हम जाया करते थे और यार वहाँ देखना हालात भाई, इतना पानी भरा हुआ है यहाँ, ट्रक को भी धक्के मार के निकालना पड़ रहा है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए वैसे तो यहाँ जाने का भाई। तो ये भाई मिला है पीछे, इसकी गाड़ी खड़ी है वो भी कौन सी गाड़ी है जय, स्विफ्ट है मुझे लग रहा है, विटारा है भाई, कह रहा है कि मैं इस पानी से सुबह सुबह गाड़ी लेकर आया हूँ और वीडियो भी दिखा रहा है अपनी, तो यार इसकी विटारा आ सकती है तो हमारी स्कॉर्पियो क्यों नहीं जा सकती ब्रो, करें यार एडवेंचर। पानी आ जाएगा अंदर? नहीं अंदर नहीं आता जैसे भाई, हम लोग तो कल ही सोच रहे थे जट प्रभु की वीडियो देख के कि ऑफ रोडिंग करने चले क्या आए, और इससे ज्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग और एडवेंचरस ऑफ रोडिंग क्या होगी, तो अब देखते हैं रतन ने क्या डिसाइड किया है। ये भाई तो बहुत ही कन्विंस कर रहा है मुझे लग रहा है, वीडियो दिखा दिखा के आराम से आ गई मेरी गाड़ी तो ऐसा लग रहा है मुझे, तो देखते हैं भाई ये ट्रक जा रहा है अब इसको देख लेना आप, अगर ये निकल गया फिर तो स्कॉर्पियो भी निकल ही जाएगी। अब देखो आप व्यू यार सामने का भर चुकी है, जा सकती है ओ यार और नीचे गया जा, हाँ चली तो जाएगी, तो इतना पानी है यार <That's
मेरे गाड़ी निकाली है इसी में से, मुझे पता चल गया, वीडियो दिखा रहे थे आपको। आप क्या किसको कह रहे हो कि आप जाओ पहले आगे। तो भाई हम जा रहे हैं इस पानी से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ। गोड्डे तक पानी है, बम्पर हाथ में आ जाएगा ये सामने। हाँ मैं यहीं से निकाल, यही है बस जो है गोड्डे तक। चलो ऑल द बेस्ट। तुम्हें मैं देखना चाह, इतना फैंटम बन के गया है, बोला मैं तो कल भी इसी में से निकाल के लेके आया हूँ। वैसे निकल जाएगी मुझे लग रहा है। वो जा रहा है भाई यार, देखो अभी अंदर गया नहीं है पानी के, वो टैक्सी वाले की बात कर रही हूँ मैं, अब ध्यान से छेकना उसको। चलेगा यार ये गाड़ी आ गया। हाँ यार ये तो चला गया आराम से। और क्या तुम्हें, चली गई भाई, चली गई, निकल गई वो टैक्सी आराम से, आराम से निकल गई। आज हमारी इतनी ऑफ रोडिंग हो गई है, इतनी ऑफ रोडिंग हो गई है। इतना पानी है यहाँ पे भी यार, लोग आराम से क्यों नहीं निकालते, मैंने ये देखा है जहाँ चीजें टूटती है ना वहां से तेज निकालते हैं। हर किसी को अपनी गाड़ी इतनी प्यारी नहीं होती ना जितनी आपको है। यार इन बच्चों को देखना मस्त यार, मजे तो इनके हैं वैसे। तो भाई फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं हम, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जय थोड़ा खुश हो गया। अभी भी 3:17:16 दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, 190 किलोमीटर अब तो पहुंच जाएंगे जल्दी। एक्चुअली ये बीच की भसड़ थी जो बहुत गंदी थी। अम्बाला में आपका स्वागत है, हम पहुंच गए हैं अम्बाला। लो पलो लो पलो, घर पहुंच गए हैं। पुनिया मैनर। अरे छोटा बेबी, बड़ा सा बेबी, हेलो मनोगी, कार आ के गर्मी पड़ेगी। नमस्ते भाई, राम राम बहन, राम राम, कार आ के लम हम हेलो। अरे वो मेरे बाल काटने वाले का फोन था, कई दिन हो गए, अभी अभी आएगा मैं सोच। अच्छा
अच्छा अच्छा आना है अभी आना मेरा छोड़ो सब। बढ़िया बढ़िया। और गाइस टाइम हो रहा है 9:30 क्या 10 से भी ऊपर। यहाँ लोग सिंगर रहे हैं जाने के लिए। हम मम्मी का चल रहा है हेयर कट यार। तो देखो अब आप समझ सकते हो कि सिर्फ जब मेरी सास ऐसे डेकडप हो सकती है तो मैं तो सिर्फ एक ब्लो ड्रायर करा के आई हूँ बस। अच्छा हुआ करा लिया, मेरी बेइज्जती हो जाती मेरी सास के आगे। सास बिल्कुल टिप टॉप, छोटा बेबी तो। आज तो मेरे को पहली बारी कभी आने पे इतने सालों के बाद ऐसे लगा है कि इतनी साफ सुथरी सी मिली है ये, वरना ऐसी मूछों के पास। ये छोटा सा बेबी है। हाँ चलो सबको हेलो बोल दो। कैंडी कैंडू सबको हेलो बोलो। हेलो कैंडू हेलो। हाय हेलो कदी हेलो हेलो कदी हेलो। वेरी गुड। तो गाइस मम्मी ने तो पूरा सामान ऐसे रेडी कर दिया है। ये सब ऐसी ऐसी मसालों की पूरी वो बना दी है छोटी छोटी बॉक्सेस। और हमारा कुकर बर्तन भांडे सब इसके अंदर। तो गाइस फुल एक्साइटमेंट और फुल एनर्जी के साथ हमने अपना सामान पैक कर लिया है। ये तैयारी तो चली रही है और चलती रहेगी सुबह तक। तब तक के लिए अभी आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए ऐसे ही एक्साइटेड हैं या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे आने वाले सफ़र के लिए रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं आपके साथ जाने के लिए। तो आओ चलें जम्मू एंड कश्मीर कल की सुबह। तो अभी के लिए गुड नाइट है जी। टेक केयर, सत श्री अकाल, राम राम। और मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में नए दिन की सुबह के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। सर बम्बा।